श्री राधा रानी की, श्री ब्रजमंडल की जय हो। ये घर के मालिक कौन है, घर के बड़े कौन है? ये दोनों पिताजी वाला मंत्री पिताजी है। हाँ जी, हाँ जी पिताजी। और आप लोग बच्चे हो? हाँ जी। कौन कौन बच्चे? ये बड़े भाई हैं, मैं छोटे और मम्मी। मम्मी और ये लोग सब कौन है? ये सब अपने परिवार, अपने परिवार के। हाँ जी, हाँ जी। तो आप दो भाई हो जी, और उनकी बहू कौन? बहू मम्मी भाई। अच्छा, ये है आपकी है? और उनके आपकी कहाँ गई? वो ऊपर खाना चला, खाना बना प्रसाद। हाँ, थोड़ी समय के लिए बुला लोगे? मैं बुला लूँगी, थोड़ी समय के लिए बुला। हाँ जी, मैं ऐसा ही है, भाई से महाराज जी का ठीक है। हरे कृष्णा, बड़े से वृंदावन बिहारी में, ये ठीक है, इसकी आवाज आ रही है, आवाज से। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बड़े से वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णदास प्रभु माइक दे दे, वो माइक दे दे, प्रभु तो सुना दो, वो आ जाए मित्र सुना दो। आप इधर बैठ लो, जैसे लोग इधर आए। हाँ, अच्छा, ये जो ठाकुर जी आपको, ये कितना पुरानी ठाकुर, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु? ये महाराज जी कोई 8 साल। 8 साल से ना? हाँ, कहाँ से मिले ठाकुर जी? ये वृंदावन से मैंने, मतलब आपने वृंदावन से मंगाया था? हाँ ठीक है, लेकिन आप जो बोलो तिलक लगाते हो गले में कंठी, इसमें कहाँ से मिला है? अपने आप लगा रहे हो ना जी? अपने आप लगा रहे हो? ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हाँ नहीं, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली है आपको? जैसे प्रेरणा ना आपको कहाँ से मिली? ये जो ठाकुर जी है ना, ये ठाकुर, ये बड़े भाग्य से ये ठाकुर किसी घर में आते हैं। ये साधारण भाग्य से ठाकुर कहीं नहीं आते। ये कलयुग का ये अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु है, इसलिए ये करोड़ों करोड़ों जन्मों का कोई सौभाग्य जब उदय हो ना, तब ये ठाकुर जी किसको घर में आते हैं? साधारण भाग्य से ठाकुर जी नहीं आते हैं। और ये महाप्रभु बहुत ही दयालु, बहुत ही कृपालु है, ये मार खा करके ये प्रेम देने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु। इसलिए आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, आपके घर में ठाकुर देख करके तो हमारे दिल खुश हो गया। यहाँ पर अभी आपकी एक घर देखा है, जिस घर में आपकी ये महापुरुष नित्यानंद प्रभु, अभी ये किसको घर में हमने ये विग्रह हमने नहीं देखा, आपके घर में देखा है। और ये हमारी सांप्रदायिक ठाकुर जी है, इसलिए आप समझो बहुत भाग्य से ये ठाकुर जी आपके घर में विद्यमान, बहुत भाग्य से। इसलिए आपको पत्नी, पत्नी आ जाए, थोड़ी सी हम कथा सुना देंगे हमारे प्रभु जी, आप सुना दो। अज्ञान से मिरांदस्य ज्ञानंजन सलोते पश्चिम निकितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद वसति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद क्षण क्षण में मूर्छित हो जाती। आप बैठे, कथा सुनो, इधर उधर मत घूमो, सारे काम बाद में हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं किस काम के लिए, आप बैठ जाओ। तब उनकी सखियां वो कह रही हैं कि तुम कृष्ण को भूल क्यों नहीं जाती, उनको तो तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, तुम इतना उनकी चिंता क्यों करती हो? तो राधा जी ने कहा, क्या करूं कि मैं उनको भूल ही नहीं पाती हूं, उनका नाम ले लेकर ही तो मेरा जीवन चल रहा है। हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं, उन्होंने एक श्लोक लिखा है, तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धे, कर्ण क्रोध कडम्बिनी घटयते कर्णार्गुदेव्य स्प्रयाम, चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृति, नो जाने जनता की यद्य अमृतई कृष्णे तिवर्ण द्वई। राधा जी कह रही हैं कि ये कृष्ण नाम को तो मैं छोड़ ही नहीं पाती, इस कृष्ण नाम में इतनी माधुरी हुई है, भरी हुई है, कि जब ये कृष्ण नाम जीवा पर मैं लेती हूँ तो मन करता है कि कोटि कोटि जीवा हो जाए, इतना ये कृष्ण नाम मधुर है। जब ये
कृष्ण नाम कान में प्रवेश करता है तो मन करता है कि कान करोड़ों करोड़ों कान हो जाए, क्योंकि एक कान दो कान से इतना आनंद हो रहा है, अगर करोड़ों करोड़ों कान होंगे तो कितना आनंद होगा। फिर जब ये कान के माध्यम से जब यही कृष्ण नाम जब हृदय में प्रवेश कर जाता है तो सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम, यानी सारी इंद्रियां जो हमारी चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वचा, ये पांच इंद्रियां है ना, चक्षु से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, जीवा से रस का आस्वादन करते हैं, कह रही कि ये सारी की सारी इंद्रियां स्तब्ध हो जाती है, अर्थात अपना काम करना बंद कर देती, इतना कृष्ण नाम इतना मधुर है। न जाने जनता की यदि अमृत कृष्णेत वर्ण, जो कृष्ण दो वर्ण है इनमें कितना अमृत भरा हुआ है ये मुझे भी नहीं पता। और इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण नाम संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। जब कृष्ण नाम संकीर्तन प्रारंभ कर दिया तो वहां पर स्वयं कृष्ण प्रकट हो गए, और कृष्ण प्रकट होकर के देख रहे हैं कि राधा जी तो इतने आनंद में डूबी हुई है। उन्होंने राधा जी को स्पर्श करके कहा कि राधे देखो मैं आ गया हूं तुम्हारे पास, किंतु राधा जी तो वो कृष्ण नाम में इतनी अधिक आविष्ट हो गई कि उनको तो पता ही नहीं चल रहा है कि कृष्ण भी आ गए पास में, स्पर्श कर रहे, इस प्रकार से भी पता नहीं चलता। तो कृष्ण ये देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो रहे कि मैं बोल रहा हूं राधे राधे फिर भी राधा जी सुनती भी नहीं है, क्यों? क्योंकि बताया कि उनके जो इंद्रियां हैं वो कृष्ण नाम के प्रेम में इतनी डूब चुकी हैं कि उनको पता ही नहीं कि साक्षात कृष्ण आकर के खड़े, वो स्पर्श कर रहे हैं तो भी पता नहीं चल रहा है, बोल रहे हैं तो भी पता नहीं चल रहा है। तब कृष्ण के मन में उल्टा लोभ हो गया, अरे ये मेरा कृष्ण नाम जो है, मेरा ही नाम इस इतना मधुर है, इतना मधुर है कि राधा जी इसका जब आस्वादन करती हैं इस नाम का, इस नाम में डूब जाती हैं तो उनको ये भी नहीं पता चलता कि मैं इनके पास में ही खड़ा हूं, तो इसलिए मैं भी अपने नाम की जो माधुरी है उसका आस्वादन करूंगा। कृष्ण के मन में ही लोभ जागृत हो गया अपने नाम के, ये बड़े जो नाम है कृष्ण की, ये कृष्ण नाम की ऐसी महिमा, और इसीलिए वो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, वही कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा जी के भाव को लेकर के, क्योंकि देखो भगवान है, जब तक वो भगवान अपने भाव में रहेंगे तब तक अपने नाम का आनंद नहीं ले सकते। भगवान के नाम का आनंद कौन लेता है? भक्त लेते हैं, तो भक्त बनना पड़ेगा, इसलिए जो कृष्ण है उनकी सर्वोत्तम भक्त श्रीमती राधा रानी है, तो इसलिए उन्होंने राधा जी के भाव और अंग कांति को लेकर के इस जगत में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। इसलिए देखो जो कृष्ण अवतार है उससे भी बहुत बहुत अधिक महिमा महाप्रभु के अवतार की है, क्योंकि कृष्ण अवतार में तो कृष्ण अलग है, राधा जी अलग है, और राधा जी की जो प्रेम है वो सारा का सारा महाप्रभु के अवतार में, कृष्ण भी है स्वयं भगवान भी है, और राधा जी के हृदय के जो प्रेम है वो आनंद है वो भी उनके अंदर में। इसलिए जो महाप्रभु का अवतार है वो कृष्ण के अवतार से भी विशेष है, और इसके बहुत सारे प्रमाण भी देखे जाते हैं। देखो कृष्ण ने भी जो असुर हैं उन पर कृपा की, जैसे पूतना को हमने सुना, पूतना को मार दिया, मार करके अपना धाम दे दिया, किंतु मारने के बाद में धाम दिया, जीते जी तो कुछ दिया नहीं, और उसके बाद में जब वो कृपा कर रहे हैं, जब पूतना को मार रहे हैं तो क्या पूतना को पता चला ये मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, उसको क्या हो रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है, वो मरना थोड़ी चाहती है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार देखो, उन्होंने किसी को मारा नहीं, जगाई माधाई जैसे इतने पापी जिन्होंने के नित्यानंद प्रभु के सिर में मटकी तो मार दी, और मटकी मार दी खून निकल रहा है, ऐसे पापियों को भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्पर्श किया, और स्पर्श करने के बाद में प्रेम प्रदान कर दिया, तो उनको साक्षात प्रेम की अनुभूति हुई कि नहीं? कृष्ण पात्र अपात्र का विचार करते लेकिन महाप्रभु पात्र अपात्र का भी विचार नहीं करते। जगाई माधाई ने कौन सा भजन किया था? सारे दुनिया भर के जितने पाप हो सकते हैं वो सारे के सारे किए, और जब महाप्रभु ने उनको भी प्रेम प्रदान कर दिया, उस समय जो यमराज जी है वो अपने विमान से ऊपर से जा रहे थे, चैतन्य भागवत में वर्णन आता है ये सब, तो यमराज जी ऊपर से जा रहे थे, जैसे ही उन्होंने देखा कि अरे महाप्रभु ने तो जगाई मदाई को भी प्रेम प्रदान कर दिया, ऐसे पापियों को, क्योंकि यमराज क्या करते हैं, यमराज सारा अकाउंट मेंटेन करते पाप पुण्य का, उन्होंने कितने सारे चित्रगुप्तों को लगा रखा था, उनका अकाउंट लिखते लिखते चित्रगुप्त थक गए थे कि भाई कितने पाप हैं इनके, कब तक हिसाब लगाए इनका, वो चित्रगुप्त भी परेशान हो गए थे, इतने ज्यादा पाप कर रखे थे उन्होंने। और यमराज जी ने जब ऊपर से देखा कि इन्होंने महाप्रभु ने इस जगाई मदाई को भी प्रेम प्रदान कर दिया, तो ये सुनकर के यमराज जी मूर्छित हो गए, क्यों? प्रेम में,
कि क्या प्रेम का अवतार है, इसलिए जो कृष्ण है वो लीला पुरुषोत्तम है, लेकिन महाप्रभु कौन है, प्रेम पुरुषोत्तम। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की, अब मेन बात क्या है कि चैतन्य महाप्रभु इतने अधिक कृष्ण से भी दयालु कौन, कृष्ण ही तो है, तो फिर कृष्ण से ज्यादा दयालु कैसे हो सकते हैं। कारण है कि उनके जो भाव है वो कौन है, श्रीमती राधा रानी के भाव है, और जो राधा जी हैं वो कृष्ण से बहुत अधिक दयालु हैं। इसी कारण से श्री चैतन्य महाप्रभु इस अवतार में उनसे भी ज्यादा, कृष्ण से भी ज्यादा दयालु हैं। और उन्होंने देखो जो बताया कि ये जो जगाई मताई थे ये भी तो असुर से ज्यादा थे, सारे पाप किए इन्होंने, किसी का घर जला दिया, किसी को लूट लिया, किसी को मार दिया, सब ऐसे पाप किए। लेकिन उनको भी जो देवताओं के लिए, शिव ब्रह्मा के लिए भी जो दुर्लभ प्रेम है वो महाप्रभु ने प्रदान कर दिया, और उनको साक्षात अनुभूति हुई। पूतना को, अगासुर बकासुर सबको मारा भगवान, धाम भी दिया, किंतु उनको अनुभूति नहीं हुई। मरते टाइम तो बड़ा कष्ट हो रहा है ना, बाद में जाकर के वहां लोगों को पता चला कि अरे ये तो धाम चले गए, लेकिन उनको पता नहीं चला। लेकिन यहां पर देखो जगाई मधाई को जो प्रेम प्रदान किया, तो वो जो जगाई मधाई के जो दर्शन कर लेते हैं वो भी भक्त बन जाते हैं। ऐसा जो प्रेम है ऐसा और किसी भी अवतार में देखा नहीं जाता। अभी भी वहां पर जगाई मताई की जहां पर समाधि है, हम लोग जाते हैं सब, नवदीप परिक्रमा जब होती है तो वहां पर हम लोग प्रणाम करते हैं उनको, उनकी परिक्रमा लगाते हैं। कैसे कैसे मुसलमान, उनको महाप्रभु ने प्रेम प्रदान करके परम भक्त बना दिया। ये महाप्रभु के जो प्रेम है, महाप्रभु का जो अवतार है उसका ये वैशिष्ट है। इसलिए महाराज जी जो कह रहे थे कि ये जो विग्रह है ये साधारण नहीं है। राधा कृष्ण के विग्रह भी देखोगे भारत में सब जगह होते हैं, सब जगह मिल जाते हैं, किंतु महाप्रभु का जो विग्रह है ये घर में है तो मतलब बहुत बहुत जन्मों की बड़ी बड़ी सुकृतियां हैं, और बड़ी किसी ना किसी रूप में जो गौड़ी आचार्य हैं उनकी विशेष रूप से कृपा है, इस कारण से ये विग्रह यहाँ पर प्रकाशित है। बड़े प्रेम से ये ठाकुर का सेवा करना, अब सुनाना, दोनों बड़े दयालु हुए है, इनका सर फोड़ दिया, नित्यानंदपुर का सर फोड़ दिया, तभी उन्होंने इनको प्रेम दिया है। मिले नित्यानंदपुर को कृपा के बगैर महाप्रभु नहीं मिलेंगे, और महाप्रभु के कृपा के बगैर नित्यानंदपुर नहीं मिलेंगे। इसलिए ये दोनों भाई आपके घर में खड़े हैं। नित्यानंदपुर कौन है, वो सख्यात बल दाऊ भैया है, इसी दाऊ भैया। महाप्रभु कौन है, बोले कृष्ण कन्हैया। ये कृष्णा और बलदेव प्रभु कलयुग में ये महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु का रूप में आए, और ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आते, हर कलयुग में नहीं आते। 1000 कलयुग जब बीत जाए, 1000 द्वापर युग जब बीत जाए, 1000 त्रेता युग जब बीत जाए, और 1000 सत्य युग जब बीत जाती है, तब भी एक बार ये दोनों भैया आते। इसलिए भागवत में बताए ये कलयुग में कोई जन्म लेना नहीं चाहते। कलयुग बड़ा पाप युग, कलयुग को बताया बहुत बड़ा कलयुग पाप है, तो कलयुग में सब झूठ, बेईमानी, लड़ाई, झगड़ा, ये सब कलयुग में, ये सारे गंधा काम है कलयुग में, ये सारे गंधा काम होता है। कलयुग में कोई भी आना नहीं चाहते, लेकिन ये जो कलयुग में हम लोग आए हैं, हैं, ये जो कलयुग में हम लोग आए हैं, ये कलयुग में तो देवता लोग भी जन्म लेना चाहते, कि देवता लोग नहीं, सत्य युग का लोग भी जन्म लेना चाहते, त्रेता युग का लोग भी जन्म लेना चाहते हैं, और द्वापर युग का लोग भी इसी कलयुग में लेना चाहते हैं जन्म। क्यों? बोलते श्री नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु को चरण आश्रय करते हुए भगवान की ये भक्ति करना चाहते हैं। और इनकी अगर कोई भक्ति करता है ना, उनको कहाँ धाम प्राप्त होता है, कृष्ण भक्ति करने से वृंदावन जाते हैं, लेकिन इनकी भक्ति करने से एक साथ में भगवान राधा कृष्ण धाम गोलोक वृंदावन में और नवद्वीप धाम श्री चैतन्य महाप्रभु श्वेत द्वीप में जन्म लेते। ये शंकर जी, मैं नहीं, ये शंकर जी पार्वती को ये बात कह रहे हैं। बोले पार्वती, जो नवद्वीप धाम जहाँ पर महाप्रभु जन्म हुए, अब तो जाने का कभी सौभाग्य नहीं मिला, इस बार प्लानिंग करो, एक बार हम लोगों को साथ में ना नवद्वीप धाम चलना होली में, जैसे ये ब्रजमंडल 84 ब्रजमंडल परिक्रमा होती है ना, होली का समय में महाप्रभु का जन्म है, होली का द्वीप है, इसलिए उसको पहले 6 दिन पहले हम लोग जाते हैं। जैसे ब्रज 84 क्रोश है, वहां पर भी ऐसे 84 क्रोश है। राधा रानी स्वयं अपना हृदय से ये नवद्वीप धाम को, नवद्वीप नहीं, नौ ये कुंज है, नवद्वीप धाम है, शंकर जी पार्वती को कहते हैं। बोले पार्वती, पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है,
कोई अगर करोड़ों करोड़ों बार, एक बार नहीं, कोई करोड़ों करोड़ों बार अगर कोई परिक्रमा करेगा जो पुण्य मिलेगी, एक बार श्री नवद्वीप धाम महाप्रभु जहाँ पर जन्म हुए, एक बार अगर कोई परिक्रमा कर ले उससे करोड़ों करोड़ों गुण ज्यादा पुण्य भक्ति उसको मिलेगी। शंकर जी कहते पार्वती ये बात की इसको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये बात सही है। पृथ्वी का सारे तीर्थ नवद्वीप में ये महाप्रभु की कृपा पाने के लिए आए हैं, क्योंकि महाप्रभु कौन है, वही कृष्ण ही कलयुग में राधा जी की भाव अंगकांति लेकर के जीवों को पर कल्याण करने के लिए, राधा जी के प्रेम का आस्वादन करने के लिए श्री महाप्रभु रूप में जन्म हुई। आप लोग बड़े भाग्यवान जो कि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आपके घर में, इनकी महिमा का आप नहीं जानते हो, इतने महिमा। कभी चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को पढ़ो, जिसको पढ़ने से इनकी महिमा आपको पता चलेगा, ठीक है ना। इसलिए आप बड़े भाग्यवान, लेकिन थोड़ी सी और एक कदम आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। बोले क्या बढ़ना पड़ेगा, कहते महाप्रभु तो एक कारण है कलयुग में हरिनाम संकीर्तन ने दिया। बोले भगवान सबसे सरल उपाय बताए, कलयुग में ज्यादा कोई कष्ट करने का जरूरत नहीं, उनको पता है हम कलयुग का जीव इतना कष्ट हम कर ही नहीं सकते, इसलिए महाप्रभु सबसे सरल उपाय बता दिए। केवल ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी का नाम लो। महाप्रभु सबसे सरल उपाय बताए हैं, सबसे सरल उपाय बता दिए, नाम की बड़ी महिमा, बड़ी महिमा। हम उसी दिन बता रहे थे ना, कहते श्री रूप गोस्वामी कहते हैं जो भगवान का नाम लेते हैं उसका तीन काम हो जाता है। कितना काम हो जाता है, तीन। क्या क्या याद है, कौन बोलेगा, बोलो तो। हाँ बोलो, किसको याद है। पहला काम है जमपुरी में जब महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं, बोले चित्रगुप्त कौन है, सारे जीवन का लिखा जोखा जो करते हैं, कहते चित्रगुप्त रजिस्टर लाओ, इसका नाम भी यहाँ से काट दो। बोले किस लिए, बोले ये हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है ना, अभी ये नरक में नहीं आएगा, ये पहला काम। दूसरा काम गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को कहते, बोले रजिस्टर ले आओ, इसका नाम यहाँ लिख दो। बोले किस लिए, बोले भगवान का नाम ले रहा है ना, अभी कभी नरक नहीं जाएगा, सीधा मेरे धाम में आएगा। तृतीय काम क्या है, कहते श्री ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में आरती की थाला लेकर के सजाना शुरू कर देते हैं। बोले क्यों, बोले हरि नाम कर रहा है और भूर भुव मोह जन तप सत्य लोक को पार करते हुए कहाँ जाएगा, गोलोक वृंदावन जाएगा। जब जाएगा रास्ता में उसको मैं आरती उतारूंगा, मैं उसको आरती उतारूंगा, क्यों, भगवान का नाम करके भगवत धाम को जा रहे हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, बोले जनय पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर्चनम तन्मुखे हरि नामानी सदा तिष्ठति भारत। हे अर्जुन, ये हरि नाम को कौन ले सकता है, बोले एक जन्म नहीं, जिसने पूर्व जन्म में 100 जन्म तक जिसने निष्कपट रूप में ये राधा कृष्ण की सेवा की है, वही व्यक्ति कलयुग में हरि नाम को ले सकता है। भगवान कपिल देव अपना माँ को भी यही बात कहते हैं, बोले अहो बत सपोच तो गरियान जत जिहाग्रे वर्तते नाम तो। देखो ये भगवान कपिल देव माँ को कह रहे, बोले माँ जो व्यक्ति ये हरि नाम करते हैं, क्या समझो, ये समझो पूर्व जन्म में उसने 4 काम करके आया है। कितना काम करके आया, अभी मैं बताऊंगा, बाद में आपसे सुनूंगा। कहते जिहाग्रे, जिहाग्रे मतलब होता है संपूर्ण जिह्वा में नहीं, कहते जिसकी जिह्वा की अग्रदेश में केवल ये प्रभु का नाम उच्चारण होता है। क्या समझो, पूर्व जन्म में पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ में कर चुका है, कितना तीर्थ पृथ्वी में, बोले 6 अरब। कितने, 1 अरब कितना होता है, 100 करोड़ में 1 अरब होता है, 6 अरब कितना हो गया, 600 करोड़ तीर्थ में पहले वो करके आया, इसीलिए वो जिह्वा की अग्र में नाम उच्चारण, पहला काम। दूसरा जितने बड़े से बड़े यज्ञ हैं, अगर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करना, स्वर्ग में इंद्रपद की प्राप्ति होती है। समझो पहले अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, बड़े से बड़े यज्ञ पहले करके इसी जीवन में आया है, हैं? और तीसरा काम किया, जितने तरह का दान, जैसे स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, हॉस्पिटल खोलना, अन्न छत्र खोलना, जितने पृथ्वी में दान है पहले जन्म वो कर चुका है। और चौथा काम किया है, जितने तरह का तपस्या, जितने तरह का वो तपस्या कर चुका, तभी इसी जीवन में भगवान का नाम को
कोई ले रहा है, इसलिए कहते कहां ले रहा है, बोले जिह्वाग्रे। जिह्वाग्रे मतलब क्या, संपूर्ण जिह्वा में नहीं, जिह्वा की अग्र देश में जो नाम लेता है। तो हमारे टीकाकरण कहते हैं जो जिसका संपूर्ण जिह्वा भगवान का नाम ले रहे, बोले भैया उसकी महिमा तो हम बता नहीं सकते। आज जो व्यक्ति इन्हीं हाथों से ये ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी की, बोले उसका तो बहुत महिमा। बोले जो व्यक्ति इन्हीं दोनों कानों से भगवान की कथा सुन, तो बोले इसको तो और महिमा। बोले जो व्यक्ति इसी चरण से भगवान की तुलसी की परिक्रमा, ठाकुर की परिक्रमा, बोले उसको तो और महिमा है, है? इसलिए यहाँ पर भगवान कहते तो मैया साधारण भाग्य से ये ठाकुर जी किसी घर में नहीं रहते। ठाकुर साधारण भाग्य के व्यक्ति ठाकुर को सेवा पूजा कर ही नहीं सकते। ये तो करोड़ों करोड़ों जन्मों का कोई सौभाग्य उदय हो तब तो घर में ठाकुर जी रहते हैं। एक तो राधा कृष्ण रहते, फिर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु रहते हैं। इसका मतलब चार चांद लग गया, इसमें चार चांद लग गया, इसलिए आप लोग बड़े सौभाग्यवान हो तुम्हारे घर में ठाकुर जी। लेकिन आपको थोड़ी सी मेरे पता नहीं, हो सकता है आप करते होंगे, कहते भगवान का कलयुग में तो ठाकुर जी ने अपना नाम को दे दिया, ये सबसे मीठी दवा है, इससे मीठी दवा कुछ नहीं। लेकिन थोड़ी सी परहेज करनी चाहिए। बोले क्या परहेज करनी चाहिए? जैसे आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास में जाओगे, अगर सचमुच से वो डॉक्टर तुम्हारी बीमारी सही करना चाहते हैं ना, बोलेगा देखो दवा तो बहुत बढ़िया दे रहा हूँ। अगर परहेज को साथ में दवा लोगे, दवा जल्दी असर करेगा। अगर बगैर परहेज को लोगे, फिर तो लेट होगा, हो सकता है काम भी नहीं हो सकती। इसलिए भागवत में चार परहेज बताया, जिसको परीक्षित महाराज कली को स्थान दिया। ये चार नियम को पालन करते हुए भगवान के नाम, अगर ठाकुर का सेवा पूजा करेंगे, आपको भक्ति में बहुत जल्दी आपको प्रोग्रेस होगा। बोले पहला क्या नियम है? बोले जुआ नहीं खेलनी चाहिए। जुआ बोले तो आप लोग कोई जुआ खेलते नहीं होंगे, हैं? इसलिए जुआ खेलने से क्या होता है, युधिष्ठिर महाराज बोले देखो मैं धर्मराज हूं, लेकिन ये जुआ खेल कर ही मेरा सर्वनाश हुआ है। पहले राज्य गया, भाई भी चले गए हैं, बाद में द्रौपदी को भी मैंने दाव पर लगा दिया, धरी सभा में उसके वस्त्र हरण मृग देखना पड़ा, और लास्ट में हमें 12 साल तक जंगल में घूमे और 1 साल तक विराट के राज्य में हमें नौकरी करना पड़ा। कहां धर्मराज युधिष्ठिर है, चक्रवर्ती राजा होकर के कितने नीचे आना पड़ा। कहते खबरदार कभी ये जुआ में हाथ मत लगाया करो, धर्म का पहला चरण है सत्य है, जुआ खेलने से सत्य नष्ट हो जाएगा। दूसरी है किसी तरह का नस्ली वस्तु का मत लिया करो। नस्ली वस्तु में जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, गुटखा, शराब, ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। ये सब नस्ली वस्तु है, क्योंकि ये नस्ली वस्तु ग्रहण करने से कहते तुम्हारी जो तपस्या है इसमें तपस्या नष्ट हो जाता है। क्यों? तपस्या भक्ति कब करेंगे? जब बुद्धि हमारी सही हो। लेकिन ये नस्ली वस्तु लेने से ये बुद्धि हमारी सही नहीं रह सकती, बुद्धि विकृत हो जाती है। इसलिए कहते ये सारे नस्ली वस्तु घर में क्यों, घर में ठाकुर जी, विशेषकर घर में ठाकुर जी आपके घर में, इसलिए ये नस्ली वस्तुओं से दूर रहनी चाहिए। लेकिन अब ये कलयुग होने का नाते ना सब धीरे 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 गड़बड़ी होना शुरू हो गया है। पहले तो ये सब चीज कोई नहीं लेते थे, अभी शादी विवाह हो शराब नहीं दिया तो बोले कौन सा शादी विवाह किया, तुमने मांस नहीं खिलाया शराब नहीं खिलाया है। लेकिन ये सब चीज अच्छी चीज नहीं है, गंदी चीज। इसलिए हमारे संत लोग कहते हैं जो शराब पीते हैं ना उसको 3 लाभ है। बोले लाभ है? बोले क्या लाभ? बोले पहला लाभ है शराब पीने वालों को बूढ़ा नहीं होगा। बोले बूढ़ा नहीं होगा मतलब क्या? बोले जिंदा रहेगा तभी तो बूढ़ा होगा, वो तो पी पाकर आधा उम्र में खत्म हो जाएगा। इसलिए कुछ दिन पहले मेरे पास में एक माता जी कम उम्र की, वो 30 साल की होगी, 2 छोटे बच्चे थे, मेरे से हरिनाम लेने के लिए आया। मैंने कहा इनके पिताजी कहाँ हैं? बोले मर गए। बोले कैसे? बोले पीते थे, वो पी पी कर लास्ट में देखा लीवर दोनों खराब हो गया, बचने का कोई सवाल ही नहीं था। हमने बहुत पैसा खर्चा किया लेकिन बचा नहीं पाए। इसलिए कहते ये सब चीज लेने से है। दूसरा बोले घर में चोरी नहीं होगा। बोले चोरी नहीं होगा मतलब? बोले किचु हो तभी तो चोरी होगा, वो तो सब पी पा करके पैसा गहना पहना बेच बाच कर पी पा कर खत्म कर देंगे, चोरी किस चीज की होगी है। फिर बोले तीसरा लाभ, बोले कुत्ते दोस्त बनेंगे। बोले मतलब कहीं पी पा कर पड़ा रहेगा, कुत्ते आकर पेशाब कर जाएगा मुंह में, चाट जाएगी। इसलिए संत लोग कहते हैं सब चीज से हमें दूर रहनी चाहिए, ये गंदी चीज है और इसमें तपस्या नष्ट हो। तीसरी जो चीज है कहते स्त्री,
कहते स्त्रियों को ऊपर में कलि का निवास है। बोले कौन सा स्त्रियों को ऊपर कलि का निवास है? बोले जो बगैर साधी के, कहते अवैध रूप में जो स्त्री पुरुष का संग और स्त्री पुरुषों का संग करते हैं, यहाँ पर कलि का निवास। संसार करो शादी करके, अपना धर्म पत्नी को साथ में, अपना गृहस्थ का धर्म को निभाते हुए अपना संसार करनी चाहिए। इसको करने से कहती है पवित्रता नष्ट हो जाती है। और जो चौथा चीज है जीव हिंसा। जीव हिंसा में बताए जैसे मांस नहीं खानी चाहिए, मछली अंडा प्याज लहसुन आदि इसको ग्रहण नहीं करने चाहिए। इसलिए जो मांस है, जो मांस है ये एक संस्कृत शब्द है। आप लोग थोड़े बहुत संस्कृत पढ़े होंगे, देखो इसका मतलब क्या होता है। मांग मतलब होता है मुझको, सह मतलब तो वह, मतलब अभी हम जिसको खा रहे हैं बाद में दोबारा हमको जो खाएगा। इसलिए अंग्रेजी में मांस को क्या कहते हैं? मीट कहते हैं। मीट मतलब क्या? मी ईट, ईट मी, बदला तो क्या हो, घुमा तो क्या हो जाता है। मीट, मीट मतलब मी ईट, मी मतलब मुझको, ईट मतलब खाना, जो मुझको खाएगा घुमा दो, ईट मी मतलब अभी जिसको खा रहे बाद में हमें जो पैर दोबारा खाएगा। इसलिए ऐसे मांस मछली अंडा ये सब प्याज लहसुन को परित्याग करके कहते ये कलयुग में ये चार ही परहेज है। अगर ये चार नियम को पालन कर ले, केवल थोड़ी सी ठाकुर का नाम कर ले, बस बेड़ा तुम्हारी पार हो जाएगी, संसार से तुम्हारी उद्धार हो जाएगी। इसलिए ये चार नियमों का हमें पालन करते हुए एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण सब बोलो, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, और एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की। हाँ देखो, जो घर के जो घर में जो मालिक, आपसे मैं कुछ प्रश्न कर रहा हूँ। जैसे आपके घर में ठाकुर जी है, हम लोग बुरा मत मानना, हम चाहते हैं तुम्हारे ठाकुर ने क्या गोपाल जी को अमृत बन गया। क्यों? ठाकुर जी का अर्पण हो गया है। जो कोई चीज ठाकुर को भोग लग जाता है वो अमृत हो जाता है। कृष्ण कहता अगर मेरे कोई भोग नहीं लगता है, कहते वो क्या है? कहते भुंजनते तो अघम, उसको पाप बताया गया, उसको पाप बताया। इसलिए घर में जो कुछ खाना बने सबसे पहले ठाकुर जी को तुलसी दल से ठाकुर जी को भोग लगा। घर की बहू कौन है? घर की बहू ये एक दो बहू है, ठीक है। इसलिए ये काम करना, ठीक है ना। जब घर में खाना बने पहले ठाकुर जी को, सुदामा का नाम सुने हो ना? हाँ, पहले ये गरीब था बाद में धनी क्यों हुआ? आप टीवी में देखे होंगे जब कृष्ण सुदामा जा रहे थे जंगल में, गुरु माता ने चाना दिया सुदामा को, बोले सुदामा कृष्ण को देख रहे खाई हो, आप देखे होंगे। लेकिन सुदामा पेड़ के ऊपर चढ़ करके छुप छुप कर खा रहा था, हैं खा रहा, इसलिए उसको बड़ा गरीब उठाना पड़ा। लेकिन धनी का बना, जब भगवान के लिए दो मुट्ठी चिड़वा लिए, ठाकुर जी एक मुट्ठी दो मुट्ठी खाए ना, त्रिभुवन का राज्य ठाकुर जी देते। इसका मतलब है घर में अगर ठाकुर जी को भोग लगेगा ना, भगवान को, वो लक्ष्मी है ना, पैसा लक्ष्मी, जब ठाकुर को भोग लगता है घर में लक्ष्मी आती है। लक्ष्मी कहाँ आएगी? ठाकुर का सेवा के लिए लक्ष्मी नारायण की है, नारायण की है ना। लेकिन लक्ष्मी कब आएगी? जब ठाकुर जी को भोग लगेगी, लक्ष्मी आपको छुपा छुपा कर दे जाएगी, बोले ले बेटा मेरे प्रभु को तो सेवा करती है ना, ले छुपा छुपा कर लक्ष्मी दी जाएगी। इसलिए घर में ठाकुर जी को भोग लगाया करो, ठीक है। और एक बात पूछता हूँ, प्याज लहसुन खाते हो? घर में बनती है? सही सही बोल दो, नहीं बनती है ना, बहुत अच्छी बात है। अब घर में प्याज लहसुन बहुत बड़ी चीज है, जो घर में प्याज लहसुन आपको नहीं बनती, बहुत हम लोगों को धन्यवाद है जो कि घर में सचमुच से ठाकुर तुम्हारे घर में विराजमान है। जो प्याज लहसुन आप लोगों ने ग्रहण नहीं करते, जो प्याज है ना ये तामसिक भोजन है। देखना जो नवरात्रि आती है ना, नौ दिन तो कोई नहीं खाते, खाते नौ दिन तक कोई नहीं खाते है। क्यों? माता जी को पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? भागवत में कथा आती है जब समुद्र मंथन से अमृत निकली, जो महीने अमृत बांट रही थी, इसने में एक सौर भानु का नाम दैत्य उसने छुपा करके पी लिया। चंद्र सूर्य इशारा किया, प्रभु ये राक्षस धोखे से पिया, भगवान सुदर्शन चक्र बुलाकर गला काट दी। इसलिए जहां उसका मांस गिरा वहीं पर प्याज हुई, जहां पर हड्डी गिरा वहां पर लहसुन हुई। इसलिए नवरात्रि क्यों माता जी को क्यों पसंद नहीं है? इसका जो सृष्टि है ना
वो तामस की वस्तु से सृष्टि हुई। इसलिए देखना ठाकुर जी को भी ये चीज भोग भी ठाकुर जी को नहीं लगता है, भगवान की सेवा में भी ये चीज नहीं होती है। आप लोगों को धन्यवाद है जो कि आप लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हो, घर में नहीं बनाते हो, और क्या कर रहे ठाकुर जी को जरूर भोग लगाया करो। तुलसी पत्ता से ठाकुर जी को भोग लगाना, वो अमृत है। कहते ना जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। ठाकुर का प्रसाद खाओगे ना अपने आप मन शुद्ध होगा, मन में शांति मिलेगी, मन में आनंद आएगी। ठीक है, और एक काम करना, देखो हम जितना दूर हो सकता है आपको हम कुछ देने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे आपका घर, जिस घर में ठाकुर का सेवा पूजा भक्ति हो ना घर में, वो घर नहीं कहते, वही वृंदावन धाम है। वही वृंदावन धाम आपके घर नहीं, ठाकुर घर में रह रहे, ये वृंदावन धाम है और ये नवद्वीप धाम है, महाप्रभु का धाम भी यही है। इसलिए एक उदाहरण दिए है, जैसे आप विदेश जाना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो, आप बताओ तो तुम्हारे पास में क्या क्या चीज होनी चाहिए जो विदेश जाए, जैसे अमेरिका, लंदन, फ्रांस अगर जाना चाहते हो, बताओ आपके पास में क्या क्या चीज होनी चाहिए जो विदेश जा सकते हो। हाँ, पासपोर्ट और वीजा और अब बोलो। हाँ, टिकट होनी चाहिए। देखो साधारण यहाँ से 2-4 घंटे का रास्ता है जाने के लिए, आपके 3 चीज चाहिए तभी आप साधारण जगत एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। तो उसी तरह अगर हम भगवान के धाम को जाना चाहते हैं, इसलिए हमारे पास में भी 3 चीज होनी चाहिए। कहते तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जब महाराज जब दूत कह रहे हैं। कहते देखो बच्चों, जम दूत कह रहे हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, उनको जमपुरी में मत लाना, जम दूत कह रहे हैं। जम दूत बोले प्रभु हमें कैसे पता चलेगा कौन भक्ति करता नहीं करता, कुछ लक्षण बता दो जिससे पता चल जाएगा भक्ति करते हैं। तो उन्होंने एक उदाहरण देकर बताया, जैसे एक सधवा स्त्री, हमें कैसे पता चलता ये सधवा है, कुछ लक्षण है, जैसे सिंदूर लगाए, मांग भरती हो, चूड़िया पहनती हो, बेसर पहनती है, मंगलसूत्र, कुछ चिन्ह है जिससे पता चलता है ये सधवा। इसलिए जब महाराज कह रहे हैं जो भक्ति करते हैं उनको अंदर में भी 3 लक्षण है। बोले ललाटी तिलक, देखो ये तिलक लगाई हो, देखो उनको ये तिलक मैं नहीं कर, जम कह रहे ललाटी तिलकम, ये तिलक का बड़ी महत्व है, ये समझो ये पासपोर्ट तुम्हारी बन गई विदेश भगवान को पास में जाने के लिए हैं। अब लोग तो हिंदू देखना, जैसे कोई अच्छे काम के लिए बिजनेस के लिए जाते हम तिलक लगाकर भेजते, जा बेटा तुम्हारी काम बन जाए। देखना घर में जब कोई पुजारी पूजा कराने आता है, देखना जब तक वो तिलक नहीं लगाएगा ना अपन पूजा ही नहीं करेगा, क्योंकि तो तिलक के बगैर पूजा तुम्हारी निष्फल हो जाती है, तिलक तुम्हारी निष्फल हो जाती है। इसलिए भगवान कृष्ण को देखो कहीं छवि है, देखो राधा रमन को देखो, कहीं कृष्ण का देखो, कहीं भगवान राम को देखो तिलक लगाए, नारायण को देखो, हनुमान जी को देखो, गणेश जी को देखो, 33 करोड़ों में कोई भी देवता को देखोगे ना तिलक के बगैर कोई ठाकुर भी नहीं रहते, तिलक की बड़ी बात है। देखो ये जो है ना ये ब्रह्मा है, ये जो बीच में खाली अंश है ये भगवान विष्णु है, और ये जो है ना ब्रह्मा विष्णु ये महेश है, ये पुराण में श्लोक बताया ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये जो दो है ये ठाकुर का 2 चरण है, और इसका जो नीचे भाग ना जैसे ठाकुर का चरण में तुलसी दल देते हैं, मानो ठाकुर का चरण है अपने तुलसी दल दिया है। इसलिए पुराण में आया जिसको शरीर में ये तिलक है उसके शरीर में गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु, कावेरी, गीता, सीता, सावित्री, लक्ष्मी, उसी शरीर में सब देवता की निवास है जो व्यक्ति तिलक। इसलिए मैंने जब देखा तुम लोग कुछ तिलक लगाए आकर दिख लिया ना, मेरे को इतने खुश हुआ, इतने आनंद मिला, हम तो लगा जैसे वृंदावन में हम आ गए, आप लोग सब तिलक लगा, इतने मेरे को आनंद लगा, खुश लगा। देखो घर में, और तिलक कौन सा, महाप्रभु का तिलक लगाए, चैतन्य महाप्रभु जैसे तिलक लगाते ये महाप्रभु का ही तिलक है, हैं? और घर में भी महाप्रभु, इसलिए तिलक होनी चाहिए। ये तिलक गोपियों का चरण धूल ये जहाँ तहाँ ये मिट्टी नहीं मिलती है। ये नारद जी भगवान सिर दर्द जब बुखार हुआ बहाना कर रहे थे, बोले कोई भक्त अगर चरण धूल दे सही होगा, ये नारद जी पृथ्वी में कोई नहीं दिया, ब्रजवासी लोगों दिए, उसको नारद जी सर पर लेकर के द्वारका में गए भगवान को नहाना, वही नहाए। द्वारका कोई गए हो आप लोग, वहां पर एक गोपी तालाब है वहीं से ये तिलक आती, जहां तक ये मिट्टी नहीं मिलेगी, ये बड़े पवित्र मिट्टी है ब्रजवासियों का मिट्टी। कहते ये तुम्हारी पासपोर्ट बन गया। बोले दूसरा चीज ये भीजा होनी चाहिए। बोले भीजा किया है, बोले कंठे त्रिकंठी का, गले में तुलसी की कंठी बताए,
ये जो तुलसी कंठी हम धारण करते हैं, अब इसको साधारण मत समझा रही क्या लकड़ी पहन लिया है, हैं? कोई लकड़ी पहन लिया, ये लकड़ी नहीं है, ये जो तुलसी ना अभी करुणा आया था ना, अब लोग अभी करुणा आया था, आप सुने होंगे करुणा में, देखना जो रामदेव बाबा ने जो मेडिसिन निकाले थे उसमें देख सुनी, अब रिसर्च करके देखना उसमें 90% ये तुलसी है और जो 10% है और दूसरे दूसरे दवा है। इसका मतलब अगर कोई तुलसी पत्ता अगर रोज दो दो तुलसी पत्ता खाओ ना, कभी आपको जीवन में टीबी कैंसर हार्ट अटैक नहीं होगा, इतने महिमा ये तुलसी की है। इसलिए किसी दुकान से एक मेडिसिन ढूंढना, उसका नाम है तुलसी पावर मेडिसिन ढूंढना, अब देखना उसमें एक पेपर होगा, अपने ये पेपर को पढ़ करके आप लोगों को देखिएगा, उसमें कहते 200 बीमारी की प्रतिषेध का जो मेडिसिन ये तुलसी है, 200 थोड़ा सुन लो बात मत करो, इसलिए कहते जो तुलसी में 200 तरह का मेडिसिन ये तुलसी वृक्ष में, जैसे गले में तुलसी कंठी पहने ना, जैसे स्नान करोगे देखना इसका पानी सारा शरीर में जाएगा, बहुत सारी बीमारी को तो अपने आप ये निकाल देगा। इसलिए देखना भगवान कृष्ण राम नारायण ये गले में स्वयं तुलसी की माला ठाकुर भी स्वयं धारण करते हैं और आपकी हमारी बात को छोड़ दो, इसलिए तुलसी गले में जरूर कंठी होनी चाहिए, तुलसी कंठी की बड़ी पवित्रता। जैसे देखो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, भोग लगा दो, देखना जितने जो कुछ ठाकुर को सामने धर दो, अगर उसमें तुलसी पत्ता नहीं दोगे ना ठाकुर जी कुछ भी ग्रहण नहीं करते। कहते उसी तरह जब तक हम गले में ये तुलसी की कंठी धारण नहीं करते है ना, ये शरीर ठाकुर के चरण में समर्पित नहीं होता है, ठाकुर जी शरीर को ग्रहण नहीं करते। इसलिए गले में ये तुलसी की जरूर गले में माला आप लोग धारण करना, ठीक है ना, ये तुलसी की बड़ी महिमा है। तुलसी देखो आप लोग तो हिंदू लोग हैं, देखना जैसे तुलसी सालग्राम के साथ में तुलसी की शादी होती है कि नहीं, सालग्राम की, क्यों, ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी है और जो तुलसी में भगवान का निवास, तुलसी में ठाकुर जी की निवास है, इसलिए गले में जरूर तुलसी की कंठी। ये तुम्हारी होगी, क्या हो गया, तुम्हारी वीजा हो गया है, अभी एक टिकट चाहिए बस, ये तीन चीज हो गया ना बस, भगवान को पास में आपको जाने का कोई रोक नहीं सकते हैं। कहते ये टिकट क्या है, बोले टिकट है भगवान का नाम ही है, टिकट है। आप देख लेना जैसे भले ही जीवन में हम जो कुछ काम करते हैं, जीवन में सब कुछ काम करते हैं, लेकिन देखना जब अंतिम समय आता है ना, जब शरीर ही छूट जाएगा है, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, आप लोग सुने होंगे क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, यही बोलते हैं ना अंतिम समय में, यही बोलते हैं, बोले राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा, ये बोलते हैं ना, बोले बेटा जीवन में जितने तुमने राम के और कृष्ण का नाम लिया है अभी तुम्हारे साथ में वही जा रहे, इसके सिवाय संसार में क्या है, सब कोई बात झूठा है, हैं? इसलिए क्या करनी चाहिए, यही अंतिम समय में हमारी काम देगा और ये प्रभु का जो नाम ही हमारे साथ में जाएगा। इसलिए मेरा भजन गाती है, बोले पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदा गुरु, कृपा करिए अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मतलब जीवन में तुमको क्या मिला, जीवन में बोले जितने भगवान का नाम किया वही मिला और जगत में सब ही हो, जगत में सब कुछ गया है, इसलिए हमारी जो टिकट है भगवान की नाम ही, यही हमारी टिकट है, ठीक है ना। आप देखिए छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, इसके बाद में फिर हम कथा को विश्राम देने, तुम कहाँ जा रहे हो, बैठो बैठ कर कथा सुनो। हाँ, देखो एक छोटी सी कहानी सुन लो, इसको याद कर लेना, ठीक है ना, हम चाहते जो भक्ति है ना हमारी, धीरे 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 भक्ति हमारा जो सनातन धर्म है, धीरे धीरे सनातन धर्म जगत में प्रचार हो, प्रसार हो, घर घर में ठाकुर जी का भजन कीर्तन हो, घर में भगवान की भक्ति हो, जो धीरे धीरे हमारे धर्म धीरे धीरे बढ़ते रहे। जैसे मुसलमान लोग प्रचार करते हैं, आपको पता होगा हर एक साल में 10 लाख हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाता है, 10 लाख हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाया जाता है,
10 लाख वो लोग प्रचार करते धीरे धीरे। इसलिए हमारे हिंदू धर्म है ना, धीरे धीरे हिंदू धर्म हमारी घटते जा रही, सनातन धर्म घटते जा रहे, क्योंकि हम इसी विषय पर कोई सिंसियर नहीं है, है? और देखना जो मुसलमान लोग बचपन से बच्चों को ये इनको ठोस ठोस करके उनको दिल में अपना मुस्लिम धर्म को उसको हृदय में भर देते हैं। हम जहाँ रह रहे हैं ना वहाँ पर एक मस्जिद है, हम सवेरे 5 बजे से देखते हैं सारे बच्चों का जो मुसलमान वो मस्जिद है माइक लगा हुआ, सारे बच्चों की आवाज़ वो अपना कलमा उच्चारण कर रहे हैं मस्जिद में, अपना कुरान पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों का आवाज़ सारे छोटे छोटे बच्चों का, क्यों वो लोग अपना था, इसलिए बचपन में बच्चों को संस्कार देते हैं, बचपन में जो संस्कार देता ना वही भविष्य में वही जाकर के दृढ़ हो जाता है। वो 2 साल उम्र से कंपलसरी मुसलमान धर्म में बच्चों को कुरान सिखाया जाता है। हमारे हिंदू में बताओ कौन बच्चों को भक्ति सिखाते, स्मार्टफोन दे ले, स्मार्टफोन तो ले ले, हैं? लेकिन भक्ति के कोई संस्कार नहीं डालते। इसलिए धीरे धीरे हमारी जो संस्कृति है ना वो धीरे 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 घटते जा रही है। इसलिए आप लोग सब जागृत हो जाओ, ठीक है ना, क्या करो खुद भी भजन करो और दूसरों को भी भगवान की भक्ति के बारे में, दूसरों को भी भक्ति के बारे में समझाओ, है भक्ति के बारे में समझानी चाहिए। एक छोटी कहानी सुना था उसको याद कर लेना, ठीक है, वहां पर तो 4 ही बहुओं की कथा सुनाया था, याद है ना, किसको किसको याद है, तुम थी वहां पर, मैंने घर पे सुनी थी, घर पे सुनी थी, किसने सुनाई थी, मैंने रिकॉर्ड किया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद। इसलिए लास्ट में कोई बहू साथ में जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, ये जिस शरीर को इतने प्रेम करते तो शरीर भी यही रह गई, जिस पैसा को इतने प्रेम करते थे दूसरे के साथ शादी कर लिया, दूसरे के नाम पर चली गई, जो पत्नी को प्रेम करती थी दरवाजे से आगे गई नहीं, जिस परिवार को प्रेम करते थे श्मशान तक गई, और जीवन में जिसको प्रेम कभी नहीं किया वही साथ में जाने के लिए तैयार हुआ, वो क्या भगवान का नाम और भगवान की भक्ति, उसको ही जीवन में नेग्लेक्ट करके रखा। ये सब बेकार चीज है भक्ति, भक्ति हरिनाम करना, लेकिन अंतिम समय में जब उसको पूछा साथ में चलोगी, हरिनाम केवल तैयारी हुई, हाँ तेरे साथ में केवल मैं चलूंगी। आज एक छोटी सी कथा सुना तो उसको भी याद कर लो, ठीक है, इसको बाद में पूछूंगा किसको याद है। बोले एक समय कोई एक संत किस राज दरबार में आते हैं राजा से मिलने के लिए, वहां चौकीदार को पूछते हैं घर में राजा है अंदर, बोले है, बोले राजा को बोलो कोई संत मिलने के लिए आए। उन्होंने सोचा संत क्यों आएंगे, होगा कुछ पैसा लेने के लिए, भिक्षा लेने के लिए, तो उन्होंने 1,101 रुपया भेज दिया संतों को भेंट दे देना। संत ने कहा मैं पैसा लेने नहीं आया हूँ, कोई जरूरी काम लेकर के आया हूँ, केवल राजा से 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। सोचा शायद इससे मन नहीं भरेगा, भरा होगा, उन्होंने 2,101 रुपया भेज दिया, तब भी वो संत लिए ही नहीं, बोले मैं तो बात में तो केवल कोई जरूरी बात करने के लिए आया हूँ, तो उन्होंने 5,101 रुपया भेज दिए, लेकिन तब भी वो लिए ही नहीं, बोले तो मिलना चाहता हूँ। राजा बोले संतों को बोल दो कोई समय नहीं मेरे पास में संत से मिलने के लिए। इतने में संत तो दुखी होकर के रानी को पास में गए, जब रानी को पास में गए वहां पर दासी को बोले अंदर में रानी क्या है, बोले है, बोले बोलो कोई संत मिलने के लिए 1 मिनट कोई विशेष काम है। रानी सुनकर खुश हो गई, संत बोले घर में बुला कर लाओ, घर बुला करके लाओ, घर में बुला करके बैठाए, पानी पिलाए, बोले बाबा हम क्या सेवा करें, बोले महारानी मैं कोई जरूरी काम लेकर के आया था राजा से मिलने के लिए, लेकिन राजा मेरे से मिले ही नहीं, बोले आप मेरे को बता तो मैं ही सेवा कर दूंगी। बोले आप कान खोल कर सुन लो, मैं भजन करते करते अपना दिव्य दृष्टि से देखा ये जो राजा है ना 7 दिनों में मरने वाला है। कितना दिनों में, बोलो कितना दिनों में मरने वाला, 7 दिनों में मरने वाला। अभी अभी घर में नई बहू आई, शादी हुई, राजा राजा अभी अभी अभिषेक हुए, अगर कोई बोल दे तुम्हारी पति 7 दिन में मर जाएगा बताओ क्या होगा, वो तो सुनकर आधा ही मर गई। बोले क्या बोल रहे, बोले हाँ मैं तो यही बात बताने आया था राजा को, लेकिन राजा मेरे से मिले ही नहीं, राजा की बात बोल देना मैं तो जा रहा हूँ। और संत चले गए, रानी इतने घबरा गई, इतने उसने घबरा गई, एक दासी को बोले अभी अभी जाओ, राजा को बोले रानी कोई जरूरी काम बुला रहे। देखो एक संत आए मिलने के लिए, राजा के पास में 1 मिनट हुआ नहीं, लेकिन जब सुना रानी बुला रही ना सारे काम को फेंक भागकर भागते भागता है किया ऐसे बात है। जब उन्हें भागते भागते आए, इतने में राजा पूछे भैया क्या जरूरी काम पड़ गया तुम्हारी, अभी अभी मैं ऑफिस गया था। बोले आपके पास में कोई संत मिलने के लिए गए थे, बोले हाँ, बोले अब मिले, बोले राजकार्य जब मैंने भेजी था। बोले महाराज
जब भगवान की कोई विशेष कृपा होता है, हैं? कद अति हरी कृपा जा पर होई, पाव देही असंगत सोई। शंकर जी कहते पार्वती, तभी जीवन में संतों के दर्शन मिलता है जब ठाकुर का कोई विशेष कृपा हो, है? नहीं तो संत का दर्शन नहीं मिलता है। एक संत मिलने के लिए आए, आपके पास में समय नहीं था, और मैंने बुलाया था, भागते भागते आ गए। बोले अरे बात तो क्या बताओ, क्या जरूरी पड़ गया? बोले बात तो बड़ी गंभीर बात है। बोले क्या? बोले ये संत ने बताया, अपना तीव्र दृष्टि से भजन करते कर देखा, आप 7 दिनों में मरने वाले हो राजा। अभी अभी अभिषेक, बोले 7 दिन में मरने वाला? अगर हमें कोई बोल दिया तो आधा ही मर जाएंगे आप। राजा बोले क्या बोल रहे हो? बोले हाँ यही तो बताना चाह रहे थे। बोले बाबा गए कहाँ? बोले अभी अभी चले। बोले जल्द जल्दी बुलाओ। उन लोगों को बोले, बोले आदर करके बाबा को बुला करके ले आओ। जब बाबा को बुला करके लाए ना, बैठा है, चरण में गिरे, बोले हमारे अपराध हो गया, बताओ। आपने बताया मैं 7 दिन में मरने वाले। हाँ 7 दिन में मरने वाले। कहते ये क्या सच है? बोले ध्रुव सत्य है, जो कुछ करना कर दो। इतने में राजा तो घबराए। बोले आप घबराने का भी बात नहीं, आपने बहुत दान पुण्य किया है, इसलिए आपके लिए अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन जब उस स्वर्ग में आप जाओगे ना, वहां पर सारे सुख सुविधा आपको मिलेगा, लेकिन वहां पर एक चीज की कमी है। बोले किस चीज की? बोले वहां पर बहुत मच्छर रहते हैं, वो रात को आपको मच्छर काटते रहेंगे। बोले फिर? बोले चिंता की बात नहीं, वहां पर मच्छर दान का भी व्यवस्था है, लेकिन एक चीज और भी कमी मिलेगी। बोले किस चीज की? बोले मच्छर दान का कोड़े में एक छोटा सा छेद है, वो उधर से मच्छर घुसने का चांस। बोले फिर? बोले एक काम करियो, जो मरते समय ना एक सुई धागा साथ में ले जाना, वो सुई धागा से सिलाई कर तो बात चैन का नींद सो। बोले बाबा क्या बोल रहे हो, मरते समय आपके सुई धागा ले जाने के लिए? हाँ एक सुई धागा ले चलना है, वही पर उसको सिलाई। बोले कैसे? जब मरेंगे तो यहीं पर जला देंगे हमें, सुई धागा कैसे लेकर के जाएंगे? बोले तुम्हें पता है मरते समय की सुई धागा भी नहीं जाएगा? बोले दुनिया को पता है, मेरे को क्या पता? दुनिया को पता? महाराज मैंने इतनी सी बात आपको समझाना चाह रहे थे, यहां से जब आप शरीर छोड़ करके जाओगे, एक सुई धागा भी तुम्हारे साथ में यहां से जाने वाले नहीं। अतः उनने पूछे, बताओ मरते समय क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? बोले यही सुनाते हैं, राम नाम सत्य है, हर गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा। इसका मतलब क्या है? बोले जितने राम और कृष्ण का नाम लिया वही सच्चा, सब झूठा। बोले ये बताओ, ये सच को पीछे कितना समय लगाते हो और झूठे के लिए कितने समय देते हो? कितने भगवान का नाम जप करते हो जो साथ में जाने वाले, उसके लिए कितने समय दे रहे हो? कोई संत भी मिलने के लिए आए तेरे पास में, समय नहीं संतों से मिलने के लिए। महाराज ये सब कोई तुम्हारे काम में आने वाले नहीं, काम में आएगा ना ये भगवान के नाम, ये तुम्हारे जीवन में काम में आएगा। तब उनको क्या किया, जैसे जैसे हम लोग माला जप करते हैं ना, तब उन्होंने बाबा को, जो महाराज को, उन्होंने एक माला पकड़वाया। बोले महाराज लो ये माला लेकर के सवेरे नहा धो करके सबसे पहले घर में बैठ करके हरिनाम करो, भगवान के नाम जप करो। क्यों? अंतिम समय में यही नाम ही तुम्हारी साथ में जाने वाले, और साथ में कुछ भी जाने वाले नहीं। उनका जीवन परिवर्तन हो गया। फिर उन्होंने क्या बोले, देखो आप लोग भी सुन लो, उन्होंने बहुत एक अच्छी बात समझाई, आप भी समझ लो। बोले देखो मैंने ये नहीं बताया था 7 दिन के बाद में तुम मर जाओगे, मैंने ये नहीं बताया था। क्या बताया था? 7 दिनों में मरोगे। 3 7 ही है, दिन कभी 8 होता ही नहीं, दिन 7 ही ना। दिन कितना है? 7 ही ना। उन्होंने ये नहीं बताया था 7 दिन बाद में मर जाओ, क्या बताया था? 7 दिनों में, ये दिन 7 ही है, जब मरोगे 7 दिनों में एक ना एक दिन मरोगे, 7 दिन बाद में नहीं मर जाओगे। वो तो सोच रहा था 7 दिन बाद मर जाऊंगा, जब ये बात समझ आए ना फिर दोबारा प्राण आ गया। बोले अरे मैं तो सोच रहा था 7 दिन बाद में मर जाऊंगा, ये कहते नहीं 7 दिनों में एक ना एक दिन मरोगे, मतलब 7 दिन बाद में नहीं मरोगे। फिर उसको शरीर में जान आ गई है, उसको फिर शरीर में प्राण आ गया। प्राण आ गया तो वो संत ने फिर महाराज को उन्होंने ये माला दिया। बोले महाराज ये माला लो, इसमें भगवान की भजन करना, क्यों? अंतिम समय में यही काम आएगा और तुम्हारे जीवन में कुछ भी काम आने वाले नहीं। राजा का जीवन, राजा बोले महाराज अब तो मेरे जीवन परिवर्तन कर लिया आपने, आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, आज से मैं भगवान की भजन करूंगा और भगवान की माला को मैं
आज से जीवन से भगवान के नाम का माला को हम जप करेंगे है। इसलिए उसी दिन मैंने बताया था ना, महाप्रभु बोले जो लखपति होगा उसको घर में खाएंगे, नहीं तो हम भोजन नहीं करेंगे। देखो आप देख लो कैसे लखपति बनोगे, जैसे माला है ना, जैसे हरे कृष्ण कृष्ण, बोलो मेरे साथ में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, उसमें एक मोती सरकता है। फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो सुधीर बताया था ना, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितना बार हो गया? 16 बार हो गया। जो एक मोती सरका है ना, 16 बार हो गया, इसमें 108 मोती। जब यहाँ खत्म हो जाए इसको पार नहीं करके घुमा देनी चाहिए, घुमा करके दूसरे तरफ से फिर करनी चाहिए। अगर इसको ऐसे 16 माला कर लिया ना, वो हो जाता है हिसाब से 25,000 हो गए। अगर 64 माला अगर हम कर लिया तो ये हो गया 1,00,000। ये भगवान खुद कहते हैं तुमने 1,00,000 माला नहीं की, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट होगी। भगवान खुद कह रहे, बोले भैया ब्याज कितना मिलेगी? कहते दीन बढ़त सवाय। मीरा कहती है आज अगर 1,00,000 नाम किया ना, कल तुमको 1,25,000 मिलेगी और 4 दिन में 2,00,000 हो जाएगी। 4 दिन में 2,00,000। जो ऊपर जाओगे ना बाद जब काफी खुलेगा, माला ही माल है वहां पर, माला ही माल है। इसलिए यही भगवान का नाम कहाँ ले जाएगा? ठाकुर जी को पास में ले जाएगा और यही हमारे अंतिम समय में काम आएगी। ठीक है ना, क्या करनी चाहिए? भगवान की ना। इसलिए हमारे गुरु जी एक उदाहरण देते थे, एक प्रश्न करता हूँ आपको, मैं देखता हूँ कौन उत्तर दे पाएगा, ये ध्यान देकर सुना। जैसे माना आप वृंदावन जाओगे, 3-4 दिन के लिए वृंदावन जा रहे हो, 3-4 दिन के लिए वृंदावन आप यात्रा कर रहे हो, आपके पास में से कौन सा चीज होनी चाहिए यात्रा का समय में आप बड़े खुश होकर यात्रा करोगे? कौन बोलेगा? आप बोलो बेटा। नहीं, ये तो बहुत बड़ी चीज है, ये तो साधारण बात हम पूछ रहे हैं। माता जी सही उत्तर दिया, पैसा है। अब देखना आपके पास में कपड़ा लता खाने पीने का कुछ भी नहीं, लेकिन तुम्हारे पास पैसा है, पॉकेट गर्म है, आप बोलेंगे भैया पैसा होगा तो हर चीज खरीदी कर लेंगे, और बढ़िया से बढ़िया होटल में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, कपड़ा भी नहीं, कपड़ा भी खरीद कर लोगे। लेकिन आप यात्रा कर रहे हो लेकिन आपके पास में एक भी पैसा नहीं, पकेट खाली, आप बताओ यात्रा आनंद कर होगा ना, दुख कर होगा? आनंद से आओगे ना, दुख में जाओगे? कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, एक भी पैसा नहीं। देखो हमारे गुरु जी कहते थे केवल 3-4 दिन के लिए यात्रा कर रहे हो, लेकिन सबसे पहले सोचते हो हमारे पास में कितने माल है। गुरु जी कहते थे एक दिन हमको ऐसे यात्रा करना पड़ेगा जो अंतिम यात्रा होगी, वो यात्रा कब करना पड़ेगा कोई नहीं बोल सकता है। अभी अभी कोरोना आई ना, कितने लोग चले गए, कितने लोग कोरोना में चले गए, वो यात्रा कब करना पड़ेगा कोई नहीं बोल सकता है, कब करना पड़ेगा। लेकिन गुरु जी कहते थे भैया वो यात्रा के लिए कुछ तैयारी कर रहे हो कि नहीं? वो यात्रा के लिए कहते उस समय में ऐसे कौन सा चीज हमारे पास में रहे जो अंतिम समय में बड़ी आनंद से जाओगे, दुखी होकर नहीं जाओगे, बड़े खुश होकर के जाओगे। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अगर जिंदगी भर प्रभु का माला अगर तुमने जप किया ना, बस ये धन पूरा के पूरा तुम्हारे पास में रहेगा, ये पूरा तुम्हारे लिए VIP व्यवस्था होगी। अगर प्रभु का भजन नहीं किया हुआ ना, फिर तो बिलबिलाते हुए, फिर तो रोते बिलखते हुए जाना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या करना पहले बोलो? सवेरे नहा धो करके सारे काम को पीछे रख लेना, सारे काम को कहाँ रखना? जिसको हम कर्तव्य मानते हैं, ये कर्तव्य होता रहेगा है, हम नहीं करेंगे दूसरे कोई कर लेगा, लेकिन ये काम और हमारे सिवाय कोई नहीं कर सकते। इसलिए सारे काम को पीछे रख करके सबसे पहले उठ करके नहा धो करके माला लेकर के कुछ भगवान की माला जप करो, हरि नाम करो। ठीक है ना, हरि नाम करके उसको बाद में क्या करो, फिर तो जो कुछ कर आपके घर में तो ठाकुर है ही है, ये तो घर भगवान की दरबार है, घर भगवान की दरबार है, हैं? जो कुछ करो ठाकुर को सेवा मान कर करो, रसोई बनाते हो ठाकुर को
भोग लगेगा, घर में झाड़ू लगाते तो भगवान की मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, स्नान कर रहे तो ठाकुर को सेवा के लिए, हम स्नान कर रहे कपड़े पहन रहे तो किसके लिए, अच्छे कपड़े पहन कर ठाकुर जी को हम सेवा करेंगे, बस घर में तो ठाकुर है ही, ठीक है ना। इसलिए एक काम करो, सबके सब गला में तुलसी की कंठी धारण जरूर धारण करना, शास्त्र बताया अगर गले में तुलसी कंठी नहीं है ना, आप ठाकुर को कोई सेवा नहीं कर सकता, ठाकुर के लिए कुछ बना भी नहीं सकता, ठाकुर तुम्हारी आत्म भोजन नहीं करेंगे, इसलिए ठाकुर जी भोजन नहीं करेंगे, क्यों, गले में तुम्हारी कंठी नहीं, क्योंकि कंठी के बगैर, कहते गोस्वामी जी कहते पंच रचित ये अधम शरीर, ये शरीर में टाटी पेशाब खून के सिवाय कुछ है ही नहीं है। सवेरे उठो, मुंह से बदबू, आंख से बदबू, कानों से बदबू, नीचे से तो बदबू बदबू निकलती है, ये शरीर अपवित्र, लेकिन गले में जब तुलसी कंठी धारण करते हैं ये शरीर ठाकुर जी के चरण में समर्पित हो जाते हैं, जरूर गले में कंठी पहना करो, ठीक है ना। सबके सब गले में तुलसी कंठी पहनो, जब दूध फिर आपको नहीं लेगा, इसलिए जब महाराज एक सुंदर उदाहरण दिए, बोले देखो दो तरह के कुत्ते हैं, कितने तरह के कुत्ते हैं बोलो, कहते एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। जब महाराज कहते जो पालतू कुत्ते है ना, आप देख लेना उसको गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, ठीक नहीं, गले जिस गले में पट्टा बंधा हुआ रहता ना, देखने पर चलता ये किसी घर की कुत्ता हो। लेकिन जो फालतू कुत्ते होते हैं ना, देखना रोड रोड में बिना पट्टे के सबके सब घूमते हैं, है ना। इसलिए देखना पालतू को तो कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं, इसलिए अगर हमारी गले में तुलसी कंठी है ना, हम किसके पालतू है, भगवान ठाकुर जी की पालतू है, इसलिए सब पालतू बनो, कोई फालतू मत बना करो, ठीक है ना। क्या बनोगे, पालतू बनोगे ना फालतू बनोगे, अरे बोलो, हाँ पालतू बनो, किसका पालतू है, बाकी विहार की पालतू बन जाओ, महाप्रभु के सब पालतू बनो, फिर तो सभी आनंद ही आनंद है, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे। उस दिन मैं कुछ कुछ लोगों को माला दिया था, किसका किसको माला दिया था, तो मैंने एक ली थी माला, और करो आप भी माला ली थी, ली थी ना माला, हम माला करती कि नहीं, मैं तो माला करती हूं, मैं इनके लिए लाई हूं। किसके लिए लाए, अपने सांप के लिए। आपके सांप के लिए लाए हो, ठीक है, आप भी करती कि नहीं, मैं तो माला करती, हाँ माला करना सबके सब, और तुम लोग भी एक माला ले लेना, ठीक है। और तुम्हारी बहू कहाँ गई, ऊपर गई, उसको भी बोल देना एक माला ले ले, ठीक है, सब मिलकर माला करो, और गले में सबके सब तुलसी कंठी पहन लो, हाँ डाली हुई ना, और जो नहीं पहने गले में तुलसी कंठी, जरूर गले में तुलसी की कंठी पहनो, तुलसी कंठी पहनना मतलब हो गया है, जब महाराज देखेंगे ना, जब तो समझ जाएंगे ये ठाकुर जी के आदमी है, आपका दूर से ये प्रणाम करेंगे, आपको कभी जमपुरी कभी जाना नहीं पड़ेगा, गले में अगर तुलसी की कंठी हो तो ये बहुत बड़ी निशान है, जो कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की हम भजन कर रहे हैं, ठीक है ना। सबके सब, क्योंकि आपके घर में ठाकुर जी है, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आपके घर में है, इसलिए गले में कंठी रहेगा ना, फिर आप ठाकुर को सेवा कर सकते हो, नहीं तो आप ठाकुर को छू भी नहीं सकते, छूना भी पाप लगता है। इसलिए जब हमारे संप्रदाय में कोई आते हैं, फिर जब तक हम उसको तुलसी कंठी नहीं देते हैं, वो ठाकुर का कोई सेवा में उसकी अधिकार नहीं होता है, कंठी पहनने का बाद ही फिर ठाकुर का कोई पानी तक भी छुएगा भी अपवित्र हो जाती है, क्योंकि शरीर अपवित्र है, शरीर गंदा शरीर, ठीक है ना। इसलिए गले में सब तुलसी कंठी पहन लेना, इधर आ जाओ, हाँ इसलिए ठीक ठीक है। इसलिए आप लोग, आपके घर में ठाकुर जी की सेवा पूजा हो रही ना, इसलिए गले में आप लोगों को तुलसी की कंठी धारण करनी चाहिए, तुलसी कंठी के बगैर आप ठाकुर के लिए रसोई नहीं बना सकते हो, ठाकुर को सेवा नहीं कर सकते हो, पाप लगता है, हाँ ये पाप लगती है। अब तो बड़े भाग्यवान घर में आपकी ठाकुर जी बैठे हुए, सबको मैं एक एक तुलसी माला दे जाऊंगा, ठीक है। गले में तुलसी कंठी पहनना और भगवान की माला भी जप करना, और जैसे तिलक लगाए ना, भाई लोग तिलक लगाए, अब ये तिलक लगा लो ना, सब ऐसे गोपी राधा रानी की कृष्ण की गोपी बन जाती हो, ठाकुर जी की गोप और ठाकुर जी गोपी, ये तिलक धारण करते ही ठाकुर जी आपको स्वीकार कर लेते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, कोई कोई बोलता है ना, भक्ति करने के लिए दुनिया को थोड़ी दिखाने का जरूरत है, अंदर अंदर में भक्ति करो, ये कंठी तिलक पहनने का, कोई कुछ कुछ कहते ना, ये कंठी तिलक पहनने का क्या जरूरत है, कोई कुछ कहते हैं। बोले देखो इस जगत में देखना, जब कोई एक जज नहीं तो कोई वकील जब कोर्ट में जाता है ना, जब तक वो अपना ड्रेस को नहीं पहनेगा तब तक वो घुस नहीं सकता है, घुसने नहीं देंगे वो,
देखना बच्चा स्कूल जब पढ़ने जाता है यूनिफॉर्म ड्रेस नहीं पहनेगा तो उसको स्कूल में घुस नहीं सकता है। जितने भी पढ़ाई से कोई उसकी मतलब है ही नहीं। जैसे आप लोग स्त्री आए, सधवा स्त्री आए, कैसे पता चलता है? सिंदूर लगाए, मांग भरती हो, चूड़िया पहनती हो, देखने से पता चलता है सधवा है। बोले भैया दुनिया को दिखाने के क्या, जो अंदर पति को अंदर में रखो ना, दुनिया को क्यों दिखा रहे हो? नहीं, जैसे पति तुम्हारी जिंदा है, अगर पत्नी सारे सधवा का श्रृंगार को त्याग दे दे, एकदम विधवा कपड़ा पहन करके पति को सामने चले जाए, बताओ पति स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा? पति कब से बना है तुम्हारे? शादी से पहले कोई मतलब था? बीच में ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया तो है? फिर कब तक? जब तक शरीर, जब ये जगत का पति के लिए इतने मांग, इतने सिंदूर, इतने मेहंदी, इतने मंगलसूत्र पहन लिया, छोड़ी, तब असली जो परम पति, जो पति के भी पति है, जो असली पति, उसके लिए क्या चिन्ह तुम्हारे अंदर है? क्या चिन्ह है भक्ति? इसलिए भगवान कहते हैं जिसको गला में तुलसी गड्ढी तिलक नहीं ना, वो मेरे पास में आने पर मैं इसको स्वीकार नहीं करता, कहते मैं स्वीकार नहीं करता, क्योंकि तुम्हारी क्या परिचय, तुम हमारी कहते ना, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हैं? ये जो असली जो मेहंदी है ना, कहती है तिलक गले में घंटी, इसको धारण करने से ठाकुर जी आपको अपने आप स्वीकार कर लेंगे, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। हाँ, एक भजन गा लो तो प्रभु जी।